हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक मिस्टर संयम भारद्वाज द्वारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है और इस अपडेट के द्वारा जो भी बदलाव होंगे वो क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से अब जो सीबीएसई का एग्जाम देंगे क्लास 12th के स्टूडेंट्स, उनके जो पास परसेंटेज है वो काफी ऊपर होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या खुशखबरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर वीडियो आपके काम की लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स और पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। पहला अपडेट है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, जो लागू होगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 से। ये जो नया बदलाव आने वाला है ना, इससे क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे उसकी वैल्यू, उसका महत्व काफी बढ़ जाए, क्योंकि आने वाले नए बदलाव के अनुसार अगर कोई स्टूडेंट क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देता है और वो अपने मेन सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में पास मार्क्स नहीं ला पाता है और उसने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लिया हुआ है और उसमें उसने पास मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसके मेन सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट का जो कंपार्टमेंट लग जाता है, अगर किसी सब्जेक्ट में उसके पास मार्क्स नहीं आए तो उससे वो बच सकेंगे, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसने लिया है और अगर उसमें उसके पासिंग मार्क्स है उसे एज अ मेन सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और जो सब्जेक्ट में वो पास नहीं कर पाया है उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। इससे स्टूडेंट का जो कंपार्टमेंट आ जाता है उससे वो बच जाएगा। तो है ना ये अच्छी खबर। इसलिए स्टूडेंट्स, जब आप क्लास 11th में सब्जेक्ट्स चूज करें तो आपके मेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने वाले हैं इस पर भी सोच समझकर डिसाइड करें, क्योंकि यही ऑप्शनल सब्जेक्ट आगे जाके, अगर मान लीजिए किसी वजह से आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अपने मेन सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया हुआ है तो वो आपको कंपार्टमेंट से बचा सकता है, आपको फेल होने से बचा सकता है। इसलिए आप अपने मेन सब्जेक्ट के चुनाव के साथ साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी चुनाव बहुत सोच समझ कर करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, जिससे क्लास 12th का पास परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, साथ ही स्टूडेंट्स मेन सब्जेक्ट की पढ़ाई के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। और स्टूडेंट अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो ये उनके लिए आगे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आगे जाके वो कॉलेज में क्या पढ़ाई करेंगे इसका भी दायरा उनका बढ़ जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट से रिप्लेस करने की जो ये नियम बनाया गया है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, वो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए ऑलरेडी साल 2020 से लागू हो चुका है। तो अब क्लास 12th के स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी साल 2021 से ये नियम लागू हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी नया बदलाव साल 2021 के बोर्ड एग्जाम से लागू हो जाएगा। इस नए बदलाव के अनुसार अगर सीबीएसई क्लास 10th या फिर क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में कोई सवाल गलत है तो उसके लिए स्टूडेंट को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। एक बार देखा गया है कि जो एग्जामिनेशन पेपर क्लास 10th या क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सेट किया जाता है उसमें एक दो सवाल गलत होता है, तो बोर्ड द्वारा की गई गलती का खामियाजा स्टूडेंट को ना भुगतना पड़े इसके लिए ये नियम बनाया गया है कि अगर क्लास 10th या 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में कोई सवाल गलत है तो उसके लिए स्टूडेंट को फुल मार्क्स दिए जाएंगे, उस पर्टिकुलर सवाल के लिए स्टूडेंट को फुल नंबर दिए जाएंगे। तो ये है क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। उम्मीद करती हूँ इस दो नए अपडेट से क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स का फायदा होने वाला है। इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।